भाई, सेकंड ए का क्वेश्चन नंबर 11 है। सिंपलीफाई करना है इसको। ए बी की पावर है y माइनस जेड मल्टीप्लाई बी सी की पावर है z माइनस एक्स मल्टीप्लाई सी ए की पावर है x माइनस वाई। ठीक है, इसमें इसका इस ब्रैकेट के बाहर पावर का मतलब है कि इन दोनों की ही पावर है y माइनस जेड। ऐसे ही बी सी दोनों की ही पावर है z माइनस एक्स। तो अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे a की पावर y माइनस जेड है ना, b की पावर y माइनस जेड मल्टीप्लाई फिर से b की पावर है z माइनस एक्स मल्टीप्लाई c की पावर है z माइनस एक्स मल्टीप्लाई फिर से c की पावर है x माइनस वाई और a की पावर है x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है। अब हमको मालूम है जब अब इसमें देखिए, ये a और a सेम बेस को हम एक पास ले लें तो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी, है ना। यानी कि a a की पावर y माइनस जेड और ये वाला a मल्टीप्लाई a की पावर x माइनस वाई, ये हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, फिर है b की पावर y माइनस जेड और b की पावर z माइनस एक्स। ठीक है, फिर c की पावर z माइनस एक्स और c की पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब हम इतने इतने को सॉल्व कर लेते हैं। ये सेम बेस है a और a, तो हमको मालूम है जब सेम बेस होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्या होता है, ये पावर्स जुड़ जाती हैं। तो कौन सा x की पावर m, मान ली x की पावर n है तो क्या होगा, x की पावर m प्लस n हो जाएगा, यही तो होता है। तो अब हम यही रूल इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। इसमें यानी a की पावर y माइनस जेड प्लस x माइनस वाई, ये हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई b की पावर y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स हो जाएगा। c की पावर z माइनस एक्स प्लस x माइनस वाई हो जाएगा, है ना। अब हम जो जो से जो जो कट सकता है वो काट दें इसमें। ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। ये भी ये प्लस, ये माइनस का जेड है, ये प्लस का जेड, माइनस प्लस माइनस ये कट गया। माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस ये कट गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, a की पावर आ गई माइनस का z प्लस का x, यहाँ b की पावर आ गई y माइनस x, यहाँ c की पावर आ गई z माइनस वाई। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और इसको क्या है, x, इसको प्लस को पहले ले लो x माइनस जेड, b की पावर y माइनस x और c की पावर z माइनस वाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है।